नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। सावन का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना काफी शुभ माना जाता है। इस महीने में लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी सावन में व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सावन के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सावन के व्रत में आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, हलवा बनाकर खा सकते हैं। दही का सेवन करें, इससे आपको भूख नहीं लगेगी और आप हाइड्रेटेड रहेंगे। आप दही में साबूदाना या फल भी मिलाकर खा सकते हैं। व्रत के दौरान शाम के समय मुट्ठी भर सूखे मेवे, खासकर किशमिश खाएं। इससे शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होगी और एनर्जी बनी रहेगी। व्रत के दौरान सेब, तरबूज, खरबूज, अंगूर, लीची खा सकते हैं। इससे शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन मिलता है और एनर्जी लेवल भी बूस्ट रहता है। व्रत के दौरान अधिक तला भुना ना खाएं, क्योंकि इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही इससे आपको पाचन संबंधी दिक्कतें भी होंगी। व्रत के दौरान दूध, पनीर, दही, कच्चा दूध, इन चीजों का सेवन करने से बचें। इससे शरीर में वात दोष बढ़ता है।